अडानी को देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनाने के लिए क्या भारत सरकार ने एक रूल ही चेंज कर दी है? देश के सबसे प्रेस्टिजियस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेने के लिए अडानी ने क्या साम दाम दंड भेद किया, उसकी स्टोरी जानना चाहोगे? 2018 तक जिसका एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, मात्र 3 साल में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बन गया भैया? आइए अडानी एयरपोर्ट के पिछले 3 सालों का कच्चा चिट्ठा जानते हैं आज की वीडियो में। और वीडियो अंत तक देखोगे तो बोनस में ये भी बताऊंगा कि आखिर ये एयरपोर्ट कमाई कैसे करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हर चौथा भारतीय जो एयरपोर्ट से सफर करता है अडानी के एयरपोर्ट से गुजरता है। पैसेंजर मार्केट का 25% शेयर है अडानी जी के पास। और आदमी छोड़ो, माल की बात करते हैं, 33% जो एयरपोर्ट के थ्रू कार्गो हैंडल होता है आपके अडानी जी हैंडल करते हैं। और 3 साल पहले तक इनका कोई लेना देना नहीं था, तो पिछले 3 साल में क्या क्यों कैसे किया जानते हैं डेट बाय डेट। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2019 से। भारत सरकार ने कहा कि भैया हमें 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है, हम नहीं संभाल रहे भैया, कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो संभाल ले भैया। वो 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और अहमदाबाद। तो जब ये 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई तो टोटल 57 कंपनियां आगे आई बोली लगाने के लिए कि हम लेंगे। लेकिन 57 में से 56 कंपनियां देखती रह गई और मात्र एक कंपनी ने 6 के 6 एयरपोर्ट ले लिए, और वो किसकी थी? परम पूज्य अडानी जी की। अब जो 57 कंपनियों में से 56 कंपनियां हाथ मलती रह गई और एक कंपनी सब कुछ ले गई, तो आपको लग रहा दाल में कुछ काला है, पर उतना काला नहीं है। अडानी जी मूड में थे, बोले भाई साहब कोई आके दिखाए, इतनी भारी बिडिंग की। आप स्क्रीन पे चार्ट देखो साहब, मैं बात करता हूं जयपुर की, जयपुर से बिलोंग करता हूं तो जयपुर की बात करता हूं। जयपुर के लिए जीएमआर कहता है मैं 69 रुपए आपको पर पैसेंजर गवर्नमेंट को देने को तैयार हूं। ऑटो स्ट्रेट करके कहता है मैं 48 दे दूंगा। आई इन्वेस्टमेंट कहता है मैं 72 दे दूंगा। अडानी कहता है मैं दूंगा 174। इनके आसपास भी कोई नहीं है भाई साहब। मैंगलोर एयरपोर्ट को देखो एक बार, जीएमआर कहता है मैं दूंगा 18 रुपए पर पैसेंजर। दूसरी कंपनी कहती है कोचीन इंटरनेशनल हम देंगे 45 रुपए पर पैसेंजर। बाकी किसी ने तो अप्लाई भी नहीं किया। अडानी बोलता है मैं दूंगा 115 रुपए। जब बाकी दुनिया के कंपैरिजन में 2 गुना 4 गुना 5 गुना रेटे फेंकेगा तो भैया इनको ही मिलेगा और किसको मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि दाल में काला नहीं था, लेकिन भैया दाल इतनी भी साफ सुथरी नहीं थी। इनको मिले उसके लिए कुछ 2-4 नियमों में बदलाव किया गया था। वो बदलाव नहीं होते तो अडानी जी के बस की नहीं थी, ले लेते। अब किन नियमों में क्या बदलाव किया वो जानते। पहला बदलाव, पहले एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के लिए शर्त थी कि भैया उस कंपनी को एयरपोर्ट चलाने का पहले का अनुभव होना चाहिए। अडानी जी को तो था ही नहीं, तो अगर ये शर्त रहती तो अडानी जी तो अप्लाई नहीं कर पाते। तो पहला नियम बदला तब जाके वो अप्लाई कर पाए। दूसरा नियम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खुद का एक नियम है कि किसी भी एक व्यक्ति या एक कंपनी को एक ही बिडिंग में 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं देंगे। पर अब की बार ये नियम छोड़ दिया कि नहीं 2 की बात नहीं है, जो जितना अप्लाई करे ले जाओ भैया, हम थोड़ी मना करेंगे। तो अगर वो नियम रहता तो 2 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, अब की बार तो 6 के 6 ले गए। तीसरा जो बदलाव किया वो था कि आज के 10 साल पहले बिड ओपन हुई थी जब मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद के बटे थे, सबको एयरपोर्ट मिले थे 30 साल के लीज पे। अब की बार एयरपोर्ट जो अडानी जी को मिले हैं वो सभी मिले हैं 50 साल के लीज पे। चौथा चेंज क्या किया, पहले गवर्नमेंट ये कहती थी कि भैया ऐसा है जो भी एयरपोर्ट से रेवेन्यू कमाओगे उसमें हमें हिस्सा दोगे, परसेंटेज पे शेयर दोगे। अब की बार गवर्नमेंट ने कहा हमको परसेंटेज शेयर नहीं चाहिए, हमें तो एक फिक्स फीस दे दो, वो हमारी, उसके अलावा जो सब कमाओ वो तुम्हारा। तो ये 4 नियम अब की बार बदले गए हैं और इन नियमों की वजह से ही अडानी जी अप्लाई भी कर पाए, 6 के 6 ले पाए, 50 साल के लिए ले पाए और सारा प्रॉफिट खुद रख के एक बेसिक से फीस देने वाले हैं। अब ऐसी बात तो नहीं है कि भैया इतना खुल्लम खुल्ला खेल हो जाएगा और भारत सरकार को खबर भी नहीं लगेगी। जब मीडिया में ये सवाल अलग अलग मंत्रियों से पीछे गए तो उन्होंने सबके तर्क भी दे दिए भाई साहब। अब आप मुझे बताना ये तर्क कितने लॉजिकल है और कितने इलॉजिकल है। पहला तर्क, हरदीप पुरी जी जो थे उन्होंने तर्क दिया, बोले देखो बात ऐसी है कि एयरपोर्ट चलाने का अनुभव है ही 5-6 कंपनियों को, और अगर हम ये नियम बरकरार रखेंगे तो वही 5-6 कंपनियां घूम फिर के आएगी, फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो हम उनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए हर नई कंपनी को आने देना चाहते हैं, इसलिए अप्लाई किया, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये 6 ही कंपनियां करती रहेगी। अब ये तर्क इतना लॉजिकल है या नहीं है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर उनसे दूसरा पूछा कि अरे भैया एक बात बताओ, जब 2 एयरपोर्ट का रूल था तो 6 क्यों दिए? तो उन्होंने कहा इसका जवाब भी सुनो, ये 2 एयरपोर्ट का रूल जब बनाया गया था पूरे देश में 15 ही तो एयरपोर्ट थे,
तो दो रूल इसलिए बनाए कि कोई एक ही कंपनी सारे के सारे एयरपोर्ट लेके ना बैठ जाए। पर अब तो भारत में 107 एयरपोर्ट हैं, अगर ये दो वाला रूल लेके चलेंगे तो भैया 55 कंपनियां कहां से लाएंगे संभालने के लिए, संभालना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए दो वाला रूल छोड़ दिया हमने। तीसरा सवाल पूछा कि एक बात बताओ भाई साहब, उनको 30 साल दिया, इसको 50 साल क्यों दिया? बोले उनको जो 30 साल दिया था वो मेट्रो सिटीज में दिया था। मेट्रो सिटीज कौन सी? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। बोले यहां तो ऑलरेडी काफी समय से चल रहे हैं और प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो उनको 30 साल के लिए दिया। अब ये जो उन्होंने नए 6 एयरपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, ये तो छोटे छोटे जयपुर, मैंगलोर, इनमें तो कहां ट्रैफिक, अभी तो लॉस में है, तो 10-15 साल तो इसको प्रॉफिट में आते आते ही लग जाएंगे, तो तभी तो ये आदमी इन्वेस्ट करेगा, इसलिए 50 साल दिया। चौथा लॉजिक पूछा कि यार एक बात बताओ, बाकी एयरपोर्ट जितने भी चलते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, वो तो परसेंटेज पे चलते हैं, यहां पे आपने पर पैसेंजर फीस क्यों की? उन्होंने कहा हमने इसलिए की थी क्योंकि जिन कंपनियों को ये हमने दिया था वो कंपनियां अपना रेवेन्यू कम दिखाती थी। मान लो 100 रुपए कमाती थी, अब उनको हमको 40 रुपए देने, वो कहती थी रेवेन्यू ही 50 रुपए हुआ, तो कम रेवेन्यू दिखाती थी, हमको कम मिलता था, और हम कहां इनका हिसाब करने बैठे, इसलिए हम तो फिक्स फीस लेंगे और मस्ती से सोएंगे। तो ये चार कारणों से इनको मिला है और ये चार गवर्नमेंट के तर्क है, कितने सही या कितने गलत ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और मेरे फेवरेट हिस्से पे कि भैया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ने कैसे हथिया लिया, और इसके लिए तो भैया पूरी पिक्चर वाली स्टोरी है, फिल्मी कहानी है, साम दाम धन भेद सब चला है इसमें, तो तब जाके ये चीज आई है। ये कैसे हुई सुनो ध्यान से। अडानी जी के एंट्री करने से पहले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो हिस्सेदारी थी वो ऐसे थी, 26% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के पास ही था, 74% कैसे बटा हुआ था, 10% लिया था एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका ने, 13.5% लिया था बिडवेस्ट करके कंपनी है उसने, और 50.5 था जीवीके ग्रुप का, जो कि जीवीके रेड्डी जी जिनके ओनर है, इस प्रकार से ये बटा हुआ था, और जीवीके ग्रुप मेजोरिटी होल्डर था, वही चला रहा था, वही पैसे कमा रहा था। अब अडानी जी की नजर पड़ी, अडानी जी ने कहा अगर मुंबई एयरपोर्ट हाथ आ गया तभी जाके मैं असली मुनाफा कमा पाऊंगा, और ये 6 एयरपोर्ट लेना सफल तभी होगा, अगर मैंने वो मुंबई एयरपोर्ट हाथ नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। तो भैया वो लग गए कि कैसे भी इसको तो पाके रहेंगे, तो इन्होंने चेक किया कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो भैया जीवीके ग्रुप की हालत चल रही भयंकर वाली खराब, इन पे लोन है टोटल 26,500 करोड़ रुपए का, और जीवीके रेड्डी जी कह रहे हैं भैया रेवेन्यू कहीं से आ नहीं रहा, तो हम तो धीरे धीरे करके लोन को कम करने में लगे हुए हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट भी इन्हीं के पास था, उसका 43% शेयर उन्होंने फेयरफैक्स करके कंपनी को बेचा, और बेंगलोर एयरपोर्ट से तो भैया उन्होंने मुक्ति पाई, थोड़ा सा कर्जा वहां पे कम किया, और जहां तहां अपनी असेट और प्रॉपर्टी बेचते ही जा रहे हैं ताकि ये कर्जा थोड़ा सा तो कम हो, तो कर्ज में दबे चल रहे हैं जीवीके रेड्डी जी। इनफैक्ट उन्होंने जो इस एयरपोर्ट में 50% इनका शेयर था उसमें से 25% शेयर तो बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था लोन लेने के लिए, 2,150 करोड़ का लोन ले रखा था। तो अडानी जी ने कहा भैया देखो अभी अटैक करने का सही समय है, अगले बंदे के पास जेब में पैसे नहीं है, दुनिया भर का कर्जा चढ़ा हुआ है, इस पे अटैक करते हैं, पर इस पे अटैक करने से पहले छोटी छोटी जो मुर्गियां हैं ना उनको पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वो जो 10% था ना साउथ अफ्रीका वाला और 13.5 बिडवेस्ट वाला, उन 23.5% को ऑफर दिया कि भैया लो जी 2,150 करोड़ रुपए लेते हैं क्या, और आपका शेयर मुझे बेच दो, थोड़ा बहुत तो लें, बड़े पे तो हाथ बाद में मारेंगे, पहले तुम तो आ जाओ। तो इनमें से वो डील होने वाली थी, जीवीके रेड्डी बीच में आ गए, उन्होंने कहा अडानी जी नहीं लेने देंगे आपको, क्यों? बोले इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें होता है फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल, कि ये दोनों अपना शेयर बेचने से पहले जीवीके से पूछेंगे कि भाई हम हमारा शेयर बेच रहे हैं, पहले आपको अधिकार है, पहले या तो आप ले लो, और आप नहीं लोगे तो फिर हम किसी दूसरे को बेचेंगे। तो जीवीके बोला तुमने हमसे तो पूछा नहीं डायरेक्ट अडानी से डील कैसे, पहले तुमको हम लेंगे। अडानी कहता तुम लोगे तुम ले लो साहब, लेकिन इनके पास पैसे कहाँ थे भाई साहब, तो इन्होंने कहा मैं कहीं से दूसरी जगह से व्यवस्था करके आता हूं, क्योंकि एक बार अडानी जी एंटर हो गए फिर भैया कुछ होने नहीं देंगे। तो इन्होंने इधर उधर हाथ पांव मारे कहीं से लोन का जुगाड़ हो जाए और ये डील होने से रोक ले, पर वो कुछ कर पाते जुगाड़ हो पाता उससे पहले एक लेटर पहुंचा सीबीआई के पास, और उस लेटर में लिखा था कि जीवीके रेड्डी जी ने एयरपोर्ट के आसपास की जो जमीन है उसका उन्होंने इसमें फर्जी कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाया है, 710 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, टैक्स की चोरी वोरी कर रहे हैं साहब। ये लेटर पहुंच गया गुमनाम, किसने लिखा पता नहीं, आपको पता चल गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, पता नहीं किसने लिखा था। वो जैसे ही लेटर पहुंचा अगले दिन सीबीआई की पूरी टीम रेड करने पहुंच गई जीवीके ग्रुप पे। अब जीवीके ग्रुप टेंशन में, अरे भले पहले ही कमाई नहीं हो रही, दुनिया भर का लॉस हो रहा है, दुनिया भर का कर्जा चढ़ा हुआ है, अब ये रेड और हो रही है, तो जीवीके रेड्डी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, अरे बोले भाई दुनिया भर का कर्जा पहले ही है,
लॉस में कंपनियां वैसी चल रही है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, उसके बाद मैं अडानी जी से लड़ूं और रेड भी संभालूं, और आज तो एक फाइल खुली है, न जाने कल कितनी फाइल खुलेगी। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक बड़ी टेंशन से तो मुक्ति पाते हैं। अडानी जी को बोला, भाई साहब कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप इसको लेना है ये ले लो, और आपको मेरी कंपनी चाहिए तो वो भी ले लो, मैं प्रिय हूँ यार इन चीज़ों से। कई अखबारों में रिपोर्ट चली थी कि भैया अडानी जी ने ये रेट पढ़वाई है, कईयों ने कहा था कि भैया ये तो जबरदस्ती खरीद लिया, ये तो दादागिरी है, लेकिन अब जो भी है खरीद लिया भाई साहब। तो 50.5 लिया जेवीके से, 23.5 लिया छोटे से, अब 74% के ओनर है अडानी जी, 26% के ओनर पहले के जैसे आज भी गवर्नमेंट ही है। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये जो इन्होंने जीवीके से शेयर खरीदा 50.5 करोड़, इसके लिए इन्होंने जीवीके को कोई कैश पेमेंट नहीं किया। ये नहीं कहा भाई ये तू कैश ले लेना, ना ना, इन्हें कहा तेरे पे कर्जा है ना 12,700 करोड़ का, जो तुम्हारा लोन है आज से वो हमारा लोन है, तो 50.5 शेयर मेरा और वो लोन भी मेरा, लोन मैं चुका दूंगा। फिर बात है, बैंक भी मान गई, काम हो गया। अब एक मन में सवाल होगा, अडानी जी की क्या पड़ी भैया एयरपोर्ट में आने की? अडानी जी के एयरपोर्ट में आने की ये पड़ी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हर चीज है ना उसमें उनका हाथ है। जितने भी पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर सबसे बड़े वो हैं, मतलब पोर्ट से जो माल आएगा जाएगा मेरा, रोड पे उनका अच्छा खासा नेटवर्क है, सीमेंट उन्होंने खरीद ली, मीडिया में NDTV उन्होंने ले लिया, इसके अलावा उनका आपका सोलर का काम चलता ही है, एनर्जी इनका चलता ही है, कोल इनके पास आई, तो इन्होंने इतनी जगह खुद को डाइवर्सिफाई कर रखा है कि भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी होगा, क्योंकि ये दो बात हम मानते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उसमें मैं नंबर वन होना चाहता हूँ। दूसरा इनको लगता है कि भैया डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, कल को एक सेक्टर डूब जाए तो दूसरे से तो पैसे कमा लें। अब वीडियो के लास्ट में वो चीज जिसका वेट कर रहे थे कि राहुल जी एयरपोर्ट वाले पैसा कैसे कमाते हैं, एयरपोर्ट की रेवेन्यू को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एरोनॉटिकल रेवेन्यू, नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एरोनॉटिकल रेवेन्यू में क्या क्या आता है? पहली बात लैंडिंग फीस, जितना भी फ्लाइट लैंड करती है उन कंपनी से एयरपोर्ट वाले चार्ज करते हैं, आज दिन में कितने फ्लाइट लैंड की, बोले बोले भाई साहब स्पाइस जेट की 100 लैंड की है, लाओ पैसे। क्या हुआ इंडिगो की 200 है, लाओ पैसे। लैंडिंग के पैसे लेते हैं, वो एयरपोर्ट के पास जाते हैं, अडानी जी के पास जाएंगे। यूजर डेवलपमेंट फीस, आप वहां पे जाते हो, चेक इन होता है, सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले चेक करते हैं, बैठते हो 10 जगह, वो जो पूरा पैसा है यूजर डेवलपमेंट फीस वो जाती है अडानी जी के पास। पार्किंग की फीस, जो आप गाड़ियां पार्क करते हो वो वाली फीस भी, प्लेन वहां पे पार्क होते हैं, प्लेन वहां पे खड़े रहते हैं उसकी फीस भी, कार्गो एंड ग्राउंड हैंडलिंग फीस, ग्राउंड पे जितना भी काम हो रहा है, जितना भी स्टाफ काम कर रहा है उसका जो भी चार्जेस लगता है वो भी इनको देना पड़ता है, प्लस जो आपके सामान इधर उधर आते हैं उसका भी इनको मिलता है। एयरक्राफ्ट जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल भरा जाता है, उसका भी पैसा भैया कंपनी से चार्ज करते हैं। तो ये सारा पैसा तो एरोनॉटिकल रेवेन्यू है, जिसमें जो कंपनियां प्लेन ऑपरेट करती है उनसे ही एयरपोर्ट वाले लेते हैं। अब आता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, इसमें क्या आता है? ड्यूटी फ्री शॉप है ना जो लेके आते हो आप, वो वाला पैसा एयरपोर्ट वालों को जाता है। दूसरा जितने भी रिटेल ब्रांड वहां पे खुले हुए हैं, वहां पे बैग की शॉप है, वहां पे कपड़े जूते जो भी चीजें हैं वो, फूड एंड बेवरेज जितना भी खाने पीने का सामान है, लॉन्जेस जितने भी हैं, जितना भी रेंट आता है, जितनी भी एडवर्टाइजिंग आती है, ये सभी चीजों के पैसे भी उसके पास जाते हैं जो एयरपोर्ट चला रहा है। अब बोल रहा हूँ जी एयरपोर्ट पे शॉपिंग होती है? सर मुंबई एयरपोर्ट पे मुंबई का जो सबसे बिजिएस्ट और सबसे सक्सेसफुल मॉल है उससे 2.5 गुना सेल मुंबई एयरपोर्ट करता है, इतना पैसा आता है उनके पास। सिर्फ अडानी जी ने मुंबई एयरपोर्ट से पिछले साल 1594 करोड़ रुपए कमाए। अब बोला राहुल जी बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन सर उस एयरपोर्ट के चक्कर में इन पे लोन है 20,000 करोड़ का, देखा जाए तो मोटा मोटी ब्याज भी नहीं निकला, पर अभी नहीं निकला, आगे जाके निकाल लेंगे इनको ये पूरी उम्मीद है। और जल्दी ही ये जो एयरपोर्ट वाली कंपनी है ये भी IPO लेके आ रही है, अडानी की 6-7 कंपनी ऑलरेडी IPO लेके आ चुकी है, ये एक IPO और आने वाला है, और इसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे तो काफी हद तक फायदा हो सकता है। वो जब इसका IPO आएगा तो डिटेल केस स्टडी इस पे भी करके मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, सभी एयरपोर्ट जो है सब लॉस में चल रहे हैं, सब कर्जा लेके, जैसा इनका फेमस है कर्जा लेके काम कर रहे हैं, पर इनकी उम्मीद है कि 30-50 साल में तो भैया प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो ये था अडानी का एयरपोर्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर आपको सुनने में मजा आया तो मुझे लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे बताइए आप चाहते हैं ये न्यूज सब तक पहुंचे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अडानी जी की और किसी कंपनी की केस स्टडी करके बताऊं, या किसी भी कंपनी की कोई भी केस स्टडी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।